दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि पियाजो ने लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट का नाम है पियाजो आपके क्लासिक मैकेनिकल इंजन विद मैकेनिकल इंजन। अब इस गाड़ी के अंदर क्या खासियत है, पियाजो ने इसे दोबारा लॉन्च क्यों किया और आप सबको क्या इसका बेनिफिट होने वाला, वो मैं इस विषय में थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप इस गाड़ी का फ्रंट फेस देखेंगे तो ये आपको रिजेंबल करेगा पुरानी आपे पियाजो आपे से, जो कि जैसा कि पुराने पुराने टाइप का मडगार्ड, हेडलैम्प विद काउल एंड साइड वाले इंडिकेटर, ये आपको पुराने एक मॉडल की याद दिलाएंगे। ये गाड़ी पियाजो अपनी मजबूती और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। पियाजो ने इसको दोबारा लॉन्च किया है क्लासिक के नाम से, जो कि कस्टमर की हर जरूरत को पूरा करेगी। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे नए फीचर दिए गए हैं, कस्टमर की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन सब चीज़ों को ऐड किया है, जिससे कि कस्टमर को कम लागत के अंदर, कम मेंटेनेंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिले और उसकी जो रोजी रोटी है, उसका जो काम है बिज़नेस, वो अच्छे चले। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैबिन की। फ्रंट आपको देखने से फील हो रहा होगा कि ये पुराने टाइप की गाड़ी के अंदर लुक के अंदर आई है 42 महीने की वारंटी के साथ। इस गाड़ी के अंदर कैबिन की बात करें तो आप देखेंगे वही दमदार मजबूत सीट के साथ और एक नए डैशबोर्ड के साथ ये गाड़ी आई है। आप देखिए नया डैशबोर्ड जमाने का डैशबोर्ड दिया है, जिसके अंदर कि आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम और ये दो स्पीकर लगाने की जगह यहाँ पर और एक यहाँ पर दी गई है। अब इस गाड़ी की बात करें, ये 4-स्पीड गियर बॉक्स से आती है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए वही डीसी लीवर, डीकम्प्रेशन लीवर, स्टॉप लीवर, जो कि इस इग्निशन की को स्विच ऑन करने के बाद आपको ये पुश बटन स्टार्ट से करना है। ये आपका डीसी लीवर पुश बटन स्टार्ट करते गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी का आपने कैबिन देखा, आपको गाड़ी बाहर से एक पुराने ज़माने का एक पुराना लुक, क्लासिक लुक दिया है और सामने से आप देखेंगे डैशबोर्ड आपको एक मॉडर्न डैशबोर्ड दिया है। गाड़ी की जो हाइट है, छत की हाइट, वो ऊंची रखी गई है ताकि किसी भी कस्टमर को, किसी भी ड्राइवर को ऊंची हाइट वाले इंसान को अंदर एंट्री एग्जिट करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम बात करते हैं गाड़ी के साइड की। ये गाड़ी आपको 5 फुट डाला के अंदर और 5.5 फुट डाला के अंदर आपको मिलने वाली है। 5.5 फुट डाला और 5 डाला, 3 कलर में गाड़ी मिलेगी आपको। 3 कलर के अंदर येलो, ब्लू और रेड, 3 कलर में आपको गाड़ी मिलने वाली है। इस गाड़ी के अंदर हम बात करें तो कंपनी ने 435cc का इंजन यूज़ किया। ये वही इंजन है जो पहले पियाजो के अंदर अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। ये इसकी पहचान, ये नीला कलर और ये वही 435cc का इंजन। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर मैकेनिकल वर्ड यूज़ किया गया है। मैकेनिकल मीन्स इसके अंदर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ी कहीं पर भी किसी सेंसर एक्चुएटर के ख़राब होने से कहीं खड़ी हो जाए। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे फ्यूल फिल्टर, प्योर मैकेनिकल फ्यूल फिल्टर है, सिंपल फ्यूल फिल्टर है, जो कि आपको 100 से 120 रुपये के अंदर आप कहीं पर भी सर्विस होने बदलवा सकते हैं, यानी कि सर्विस का खर्चा सबसे कम है। हम इंजेक्टर की बात करें तो इंजेक्टर भी इसके अंदर मैकेनिकल दिया गया है, कभी भी कहीं पर भी आप इसे रिपेयर या क्लीन करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें डीकम्प्रेशन लीवर की, तो ये डीकम्प्रेशन लीवर का वायर, ये भी मैकेनिकल सिस्टम है, जिसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे रिपेयर ना करे या इसको हाथ न लगाए। उसके बाद हम बात करते हैं फीड पंप की। इसके अंदर फीड पंप भी मैकेनिकल दिया गया, जो कि इंजन की ताकत से चलता है जैसे पहले था। सेम वही तेल को चेक करने की जो गेज है यहाँ पर दी गई है यहाँ पर, और टॉप अप के लिए जगह, तो ऑयल टॉप अप के लिए जगह दी गई है। 4-स्पीड गियर बॉक्स है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, मैंने जैसा पहले बताया आपको, जो कि गाड़ी की को कहीं पर भी कोई दिक्कत आने पे कोई रिपेयर ना कर पाए, कुछ ना कर पाए। ये वही जाना पहचाना इंजन है जिसको कि आप मार्केट में कहीं भी रिपेयर कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर BS4 जो टाइप का इंजन था, उसके साथ साथ BS6 नॉर्म को मीट करने के लिए इस गाड़ी के अंदर एक ये वाटर टैंक दी गई, सॉल्वेंट टैंक दिया गया। इसके अंदर आपको सिर्फ पीने वाला पानी, जो पानी आप पी सकते हैं, वही इसके अंदर भरना है और वही पानी के जो एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्प्रे सिस्टम दिया गया है, जो कि इसी इंटेक बॉडी के ऊपर है, जो कि स्प्रे के थ्रू इसे कंट्रोल करेगा। यदि किसी भी कारण से ये इसमें कोई दिक्कत आती है तो आपका गाड़ी कहीं पर भी खड़ा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और आपका ट्रिप मिस नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है कि इस गाड़ी को आप रोप के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं।
रोप से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आप रोप से कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि ये देखिए, हमने गाड़ी का स्विच उधर से ऑफ है, ऑन है। इस गाड़ी की मैं की निकालता हूँ सबसे पहले, एक रुक जाइए, इस गाड़ी की मैं की निकालता हूँ। ये देखिए गाड़ी की कीज़ मेरे हाथ में है, और ये मैं रोप लगाया गाड़ी पे, ये रोप लगा हुआ है, ये देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी हमारे पास है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी को बंद करना है। तो सिंपल सा बात है कि आप इस डी कंप्रेशन लीवर से बंद कर दीजिए, बहुत सिंपल सा है। इस गाड़ी के अंदर आपको वही जाना पहचाना 10.5 लीटर का जो टैंक मिलता है, जो कि डीजल का, जो कि आपकी पूरी ट्रिप के अंदर आपको आसानी से पूरी ट्रिप करवाएगा, लंबी दूरी तय करवा देगा। दोस्तों ये गाड़ी के अंदर आपको वही 42 महीने की वारंटी मिलती है, साथ के साथ इसके अंदर आपको फ्री सर्विस और पेड सर्विस का पूरा एक पैकेज मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको पहले जैसा ही ड्राई एयर फिल्टर मिलता है, आप उसको फिल्टर को हर 5 से 10,000 किलोमीटर पर रिप्लेस करवा सकते हैं। गाड़ी के अंदर कोई, इस गाड़ी को कोई भी कहीं भी मैकेनिक आराम से इसको रिपेयर कर सकता है, ठीक कर सकता है। कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये गाड़ी खड़ी हो जाए इसको से हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो ये जो एक्सलेटर है, एक बार एक्सलेटर खींचना, घुमाना खाली, ये एक्सलेटर भी इसमें मैकेनिकल है, ये फीड पंप और ये एक्सलेटर भी इसके अंदर प्योर मैकेनिकल है। ये देखिए अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये एक्सलेटर जा रहा है, और स्टॉप लीवर रोकना, स्टॉप लीवर, ये देखिए इंजन स्टॉप करने के लिए। तो ये गाड़ी मैकेनिकल, इंजन का मतलब कि ये गाड़ी प्योर एक मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बनाई गई है और BS नॉर्म्स को अचीव करती है, जिससे कि BS नॉर्म्स भी अचीव होते हैं और कस्टमर को एक सस्ती और एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो कि कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, कस्टमर कोई भी कस्टमर बड़े आराम से उसको अफोर्ड कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी से गाड़ी इंट्रोड्यूस की गई है। दोस्तों ये क्लासिक प्रोडक्ट कस्टमर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको कम खर्चे में, यानी कि मेंटेनेंस खर्चे कम खर्चे के अंदर आपके बिजनेस में, आपकी कमाई के अंदर योगदान देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये गाड़ी अभी ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुकी है, और आप अपने पियाजो के अधिकृत डीलरशिप से इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसके विषय में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।